जो आज तक हम लोगों ने यही देखा था, हम भी एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो हमको पता है कि खाली पीछे धक्का खाए के मिलेगा, ऐसे मुख्यमंत्री जी के सामने मंच पे खड़ा होके बोले का सर कबो कि वो गरीब के देख ले रहा लो ना। मतलब मोदी की गारंटी एक एक खाली शब्द मत समझिया, मोदी की गारंटी कि बनत एयरपोर्ट बाटे मोदी जी के राज में और साइकिल छोड़ के आजमगढ़ उड़ी जहाज में। चोर लुटेरा जितना रहना सबकर बज गई घंटी है, चोर लुटेरा जितना रहना है, ये तो गांव गांव में लोग देखत हो ना कि अगर पहले का जो शासन रहे, जो लोग शासन करत रहे, जो पार्टी शासन करत रहे, वो इतना चोरा के पैसा दे जनता के कि गिनत गिनत मशीन हाफे लगे थे, कई वो मशीन बंद पड़ गई, इतना पैसा, बाप रे बाप, केकर पैसा है, जनता का पैसा। लेकिन वो चोरों से लुटेरों से कुल पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी का सरकार पाई पाई से गरीब का। चौबीस के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव एड़ी चोटी का बल लगाते हुए नजर आ रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अपने पिताजी यानी कि समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सपने को वह पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ भी वह जुड़ चुके हैं। अब यहां पर अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहां पर उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रही है। और इसी बीच अब मैदान में एक बार फिर से उतर आए हैं, फिर से देखा जाए तो अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता दिनेश लाल निरहुआ। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि दिनेश लाल निरहुआ ने एक बार खुलकर अपनी बात रखी है। दिनेश लाल निरहुआ हाल ही में यूपी के आजमगढ़ पहुंचे, जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वह आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हुए नजर आए और यहां से उन्होंने जीत भी हासिल की। और अब आजमगढ़ पहुंचकर उन्होंने भरे मन से अपनी बात रखी। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। मालूम हो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे और उनको यहां पर देखा जाए उनके सामने ही उन्होंने जिस तरह से बातें रखी, केंद्र की मोदी सरकार की उन्होंने जिस तरीके से तारीफें की और वहीं यहां पर समाजवादी पार्टी का मजाक उड़ाते हुए भी देखे गए। तो सुनिए किस तरीके से दिनेश लाल निरहुआ ने एक बड़ी चुनौती दे डाली है समाजवादी पार्टी को। जय जय श्री राम। आज मोदी की गारंटी के इस कार्यक्रम में आजमगढ़ की धरती पे आगमन हुआ है पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और पूरे आजमगढ़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूजनीय महाराज जी कि आपकी कृपा से ये जो अभी मैं आया यहां से तो हम पूछनी कि बड़ा बढ़िया बोल लू वह तो कहते कि जोन हमारे साथ भयल हम वह बोल ली है, कुछ अलग से ना बोल ली है। तो ये कृपा जो आपकी हुई है पूजनीय महाराज जी की, गरीब महिला जो आज तक हम लोगों ने यही देखा था, हम भी एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो हमको पता है कि खाली पीछे धक्का खाए के मिलेगा, ऐसे मुख्यमंत्री जी के सामने मंच पे खड़ा होके बोले का सर कबो कि वो गरीब के देख ले रहा लो ना। मतलब मोदी की गारंटी एक एक खाली शब्द मत समझिया, मोदी की गारंटी एक मंत्र है। पूजनीय महाराज जी ने जो मंत्र हमें दिया कि निरहुआ तुमको एक मंत्र दे रहे हैं, इसको लेके जाओ आजमगढ़। और वो मंत्र ये है कि जो करना आजमगढ़ में रह के करना, कलाकार हो तुम्हें लोग प्यार ही इसलिए करते हैं कि तुम कलाकार हो,
तो भी कलाकारी मत छोड़ना, आजमगढ़ में अपना काम करना और देखना कैसे गरीब परिवार के लोग, माताएं, बहनें सब तुम्हारे पास ही पहुंच जाएंगी और वहीं पहुंच कर वो अपना भी काम करवा लेंगी। और पूजनीय महाराज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके उस आदेश का मैंने पालन किया। आजमगढ़ में रहकर 8 फिल्में बना दिया मैंने हर विधानसभा में, और जहां फिल्म बनती है वहीं सड़क भी बनती है। तो आपकी कृपा से वो सारी सड़कें भी बन रही है जो कभी बनने वाली नहीं थी। आप बताइए, बनने वाली थी? एक एक सड़कें ऐसी थी महाराज जी कि जब मैं वहां से जाता था तो बहन हमारी मंजू सरोज जी हैं यहां उपस्थित हैं, ये इन्होंने कहा कि भैया ये ना बन पाई। हम गली कैसे ना बन पाई, पूजनीय महाराज जी से हम कहा जरूर बनी, और आपकी कृपा से वो जो 40 साल से सड़क नहीं बनी थी वो भी बन रही है। पूजनीय महाराज जी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। रासेपुर तितरा बिलरियागंज मार्ग जो वहां के लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दिया था, पूजनीय महाराज जी उन्होंने कहा कि ये एकदम आखिरी में है, ये तो बनेगा ही नहीं, इतना खड्डा टूट टाट गया, वो भी आपकी कृपा से बन रहा है। तो अब आजमगढ़ की जनता पूजनीय महाराज जी कहने लगी है, जब मैं आजमगढ़ में आता हूं तो आजमगढ़ की जनता से पूछता हूं कि खूब सवाल हो, आजमगढ़ की जनता कहले हम भोजपुरी में बताओ थे पूजनीय महाराज जी कि बनत एयरपोर्ट बाटे मोदी जी के राज में, साइकिल छोड़ के आजमगढ़ उड़ी जहाज में, और चोर लुटेरा जितना रहना सबकर बज गई घंटी है। चोर लुटेरा जितना रहना है, ये तो गांव गांव में लोग देखत हो ना कि पहले का जो शासन रहे, जो लोग शासन करत रहे, जो पार्टी शासन करत रहे, वो इतना चुराए के पैसा धैले हुआ जनता के कि गिनत गिनत मशीन हाफे लगे थे, कई वो मशीन बंद पड़ गई, इतना पैसा, बाप रे बाप, किकर पैसा है, जनता का पैसा। लेकिन वो चोरों से लुटेरों से कुल पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी का सरकार पाई पाई से गरीब का भलाई कर रहे, पाई पाई से गरीब का भलाई कर रहे। और हम आप सभी सुन रहे थे पूजनीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो अब ये कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चोर लुटेरे जितने थे सबकी बज गई घंटी है, और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा मोदी की गारंटी है। और ज्यादा हम ना बोलो, अब हम चाहते हैं कि कुछ पूजनीय महाराज जी से सुन जाए आशीर्वाद स्वरूप उनके तरफ से, और बाकी तो हम लोग निश्चिंत राज पूजनीय महाराज जी हम और पूजनीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह चल रही है उसी सरकार के तर्ज पे, उत्तर प्रदेश के तर्ज पे पूजनीय महाराज जी के कार्यों को देखते हुए भारत का हर राज्य डबल इंजन की सरकार बनाने को तैयार हुआ है, और आप लोगों ने अभी अभी देखा है 3-3 प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है, और जिस तरह से काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, हम सबको ये विश्वास है, भरोसा है कि जो मंत्र हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, सबका साथ सबका विकास, लेकिन होगा कब, जब सबका प्रयास। खाली ये ना सोचे गया कि मोदी जी और योगी जी के प्रयास से ही खाली हो, ना ही, जितने हमारे अधिकारी भाई बैठे हैं, जितने हमारे जनता के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सभी लोग सबके प्रयास से ही ये संकल्प पूरा होगा जो मोदी जी ने गारंटी दिया है। तो मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए अगर आप सभी तैयार हैं तो एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। आपने सुना कि निरहुआ जिस तरीके से यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, ऐसे में अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव इसका जवाब किस तरीके से देते हैं। फिलहाल देखा जाए तो उनका भाषण सुनने के बाद जिस तरीके से कार्यक्रम में तालियां ही तालियां बजाई जाती हैं, ऐसे में यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो दिनेश लाल निरहुआ किस तरीके से चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।